देखने जा रहे हैं नेक्स्ट लेसन 15 मटेरियल्स वी यूज़। मैं क्या मटेरियल को इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में हम जानेंगे। चलो याद है तो बताओ हमें, व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। सर मोबाइल मैन मेड मटेरियल। ट्री नेचुरल मटेरियल। नहीं 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 नहीं, वुड नेचुरल मटेरियल। अलमारी बनाई हमने ही है बट मटेरियल तो नेचुरल, लेकिन हम तो भी नहीं कह सकते मैन मेड। वुड आपने कहा ठीक है कि वुड, हाँ आयरन कह सकते हो नेचुरल मटेरियल। अलमारी नेचुरल नहीं है, टेबल नेचुरल नहीं है। जो चीज़ें नेचुरली फॉर्म्ड हो जाती हैं रेडीमेड सब्सटेंस में, वो चप्पल मैन मेड, मिट्टी नेचुरल। आई होप समझ गए होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस यू सी अराउंड यू। चलो लिस्ट बनाओ फटाफट। मोबाइल, मोबाइल मैन मेड है, मैन मेड है। दरवाज़ा मैन मेड, पोछा मैन मेड। एंड देन फ्रूट्स नेचुरल है। साबुन मैन मेड है। ऑयल, ऑयल 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 कहाँ से मिलता है? नहीं नहीं नहीं, मैन मेड है ऑयल। एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है तो भी। अब देखिए ज़्यादा हम उसे प्रिसाइज वे में देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा वो। ऑयल अगर हम उसे नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जल्द ही, ज़्यादा उसे प्रोसेसिंग ना करके, रिफाइन ऑयल हम नेचुरल नहीं कह सकते। अपना ये सब सरसों वरसों का तेल ये सब कह सकते हैं नेचुरल। तो इसमें बहुत पतली लाइन है कोई कोई चीज़ों में। जैसे लकड़ी नेचुरल है जो हम उससे, लेकिन उसमें चेंजेस करके बना रहे हैं, वो भी नेचुरल मटेरियल ही। लकड़ी नेचुरल मटेरियल है, सोफ़ा भी नेचुरल मटेरियल। फिर लकड़ी से जो चीज़ें बनी हैं, टेबल ओबल हो गया, नेचुरल मटेरियल से बनी है। हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो मटेरियल में हम उसे एज अ पार्ट देखते हैं, ना कि एज अ वोल देखते हैं। एज अ वोल देखा जाए, वोल मतलब पूरा। टेबल तो हमने बनाया है लेकिन मटेरियल तो हमने नहीं बनाया ना। सब्सटेंस नेचुरल मैन मेड अलग बात है, तो समझ लेना। हमने पढ़ा है कि अ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल सब्सटेंस इज कॉल्ड मैन मेड सब्सटेंस। नेचुरल चीज़ को इधर उधर इधर उधर इधर उधर मैनिपुलेट कर दो, डिस्टर्ब कर दो, अल्टर कर दो। ये सब क्या है? डिस्टर्ब कर दो, इधर का चीज़ हटा के उधर कर दो, कुछ ऐसा कर दो। लकड़ी में ना कुछ मिला दो कि लकड़ी शाइनी बन जाए। रेत है ना, रेत को कुछ ऐसा गर्म करो, उसमें कुछ मिला दो कि शीशा बन जाए। तो हम ऐसा कुछ जब चीज़ें करते हैं तो वो मैन मेड कहलाती हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सम सब्सटेंस ऑफ डेली यूजेस, जो हम आम मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उसमें से कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे मैन मेड हैं कि नेचुरल हैं कि क्या हैं तो क्या हैं। क्या आप बता सकते हो? देखो आपको बार बार जो भी याद है बताना पड़ेगा। हाँ, विच सब्सटेंस वर यूज अर्लियर फॉर क्लीनिंग टीथ। दांत को साफ करने के लिए पहले इस्तेमाल किया जाते थे दातून क्या कहते हैं उसे, ब्रांचेस। हाँ, पेड़ों के ब्रांचेस। नहीं नहीं नहीं, ब्रांचेस नहीं, टहनियाँ। टहनियाँ, हम पतली पतली ब्रांचेस जो होते थे हम उसे इस्तेमाल करते थे। डंठल जिसे कहते हैं उसे हम इस्तेमाल करते थे। और फिर और पहले तो हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते थे अलग अलग। व्हाट डू वी यूज़ टुडे टू क्लीन आवर टीथ? ब्रश। हाँ समझ गया समझ गया। पहले वो जो चीज़ें थीं वो नेचुरल थी, अब ये मैन मेड हैं। मैन मेड ब्रश, नेचुरल ब्रश। वी हैव सीन दैट इन ओल्डन टाइम्स इन इंडिया अ काकिया बार्क नीम ट्विग्स, उसे ट्विग्स कहा जाता होगा, नॉट ब्रांच। ब्रांच तो मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता पतला, बट हम मोर प्रिसाइज वे में ट्विग्स कहते हैं। कोल पाउडर, ओ हो कोल पाउडर, कोयला का पाउडर। राख, ऐश। टूथ पाउडर, अब ये टूथ पाउडर होगा कोई पाउडर, या सॉल्ट हो गया। पोमेग्रेनेट रिंड, पोमेग्रेनेट रिंड क्या है? अच्छा ओके ओके, पोमेग्रेनेट रिंड मतलब कि वो जो उसका ऊपर का नहीं होता अनार का, उससे साफ किया जाता था। बट टुडे हाउएवर अ वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लेकिन अगर आज देखा जाए तो हमारे पास कितने टूथपेस्ट टूथ पाउडर्स हैं इस्तेमाल करने के लिए। टूथपेस्ट को ही पढ़ लेते हैं, चलो
उससे पहले हम डू यू नो देखते हैं, इन द पीरियड प्रीरियर टू 500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पैदा, क्राइस्ट के जन्म के 500 साल पहले, इन कंट्रीज सच एज चाइना, ग्रीस, रोम, टूथपेस्ट वॉज मेड बाय मिक्सिंग द पाउडर ऑफ बोन्स एंड शेल्स। टूथपेस्ट हड्डी के पाउडर और शेल्स के पाउडर से बनाया जाता था। टूथपेस्ट ऑफ विच सोप वॉज द इंग्रीडियंट, टूथपेस्ट ऑफ विच सोप वॉज द इंग्रीडियंट केम इन टू यूज इन 19th century। टूथपेस्ट ऑफ विच सोप वॉज द इंग्रीडियंट, उसका इंग्रीडियंट, जिसका इंग्रीडियंट क्या, टूथपेस्ट जिसका इंग्रीडियंट साबुन था, वो 19वीं सदी में 19th century केम इन टू यूज़ इन 19th century, 19वीं सदी में उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। लेटर टूथपेस्ट वॉज मेड यूजिंग अ चॉक लाइक मटेरियल, फिर एक चॉक की तरह मटेरियल था उससे बनाया जाता था। द फर्स्ट कमर्शियल टूथपेस्ट वॉज मेड बाई कोलगेट कंपनी इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1873। देख रहे हो, 1873 में कोलगेट ने पहला टूथपेस्ट बनाया न्यूयॉर्क में, वो भी, और अब जगह जगह पे वही फैल गया है। तो चलो टूथपेस्ट के बारे में पढ़ ही लेते हैं। द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ अ टूथपेस्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट रिमूव द डर्ट ऑन द टीथ। जो हमारे दांतों पे गंदगी होती है, टूथपेस्ट के दो मेन इंग्रेडिएंट उसी को निकालने, साफ़ करने का काम करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। दीज इंग्रेडिएंट्स आल्सो पॉलिश द टीथ, ये हमारे दांत को पॉलिश भी करते हैं ताकि दांत चमके। अ सर्टन प्रपोर्शन ऑफ फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट हेल्प्स प्रिवेंट टूथ डीके। जो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, घिसने लगते हैं और जम्स खाने लगते हैं, उससे बचाने के लिए भी फ्लोराइड उसमें थोड़ा सा डाला जाता है। फ्लोराइड इज़ एन एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड द एनामल कवरिंग ऑफ टीथ। फ्लोराइड ज़रूरी है हड्डी को मजबूत करने के लिए। खाना नहीं चाहिए, इसका मतलब इसे खाना नहीं चाहिए। और जो हमारी टीथ की एनामल कवरिंग है, आपने प्रचार में देखा है एनामल लेयर्स, ऐसे ऐसा करके बोलते हैं प्रचार में, ऊपर का लेयर जो है हमारे टीथ का, फिर बाद में। और चलो ढूंढ के बताओ कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द फ्लोराइड इन टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। फ्लोराइड टूथपेस्ट में आता कहाँ से है, जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है उस हमें फ्लोराइड कहाँ से मिलता है। तो अलग अलग जगह से हमें फ्लोराइड मिलता है उसमें डालने के लिए, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड हो गया, NaF जो भी उसका है, और फिर हाँ वाटर हो गया, रॉक्स हो गए, अलग अलग जगहों से हम सोर्सेस से ले सकते हैं, जिसको जैसा मिलता है, जैसा प्रोसेस समझ में आता है। आप और ढूंढ सकते हो डिटेल में, नहीं, नोट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ टूथ पाउडर टूथपेस्ट कंटेनर और कार्टून एंड डिस्कस। उसमें अलग अलग चीज़ों के नाम दिए होते हैं और बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब कि मैं एक आपको टूथपेस्ट लेके चलो बता ही देता हूँ। सो मेरे पास एक है टूथपेस्ट, इस पे सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा होगा और ऊपर एक ट्रेडमार्क का सिंबल R और सर्कल रहेगा। फिर कंपनी के बाद ये टूथपेस्ट का नाम जो पॉपुलर है नाम वो रहेगा और ऊपर टूथपेस्ट लिखा रहेगा, टूथपेस्ट फिर उसका नाम, और नीचे उनकी टैगलाइन रहेगी, जो भी सफ़ेद मुंह, सॉरी सफ़ेद दांत, चमकीले दांत या दैट सेट एंड ऑल। उसके नीचे फिर अलग अलग अपनी रहेगी कि आपके दांत मजबूत रहेंगे, सफ़ेद रहेंगे, साफ रहेंगे, मसूर मजबूत रहेंगे, तो क्या रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। फिर सामने फ़ोटोज़ लगा देंगे कुछ कि टूथपेस्ट में हमारे ये हैं, वो है, ऐसा है, वैसा है, अलग अलग स्माइल के लोगों की चीज़ें लगा देंगे कि सब खुशी हैं, स्माइल कर रहे हैं, दांत इतना बढ़िया है। और फिर देखें तो इसमें फ्रंट के साइड में अलग अलग कलर्स में मार्क भी होता है, कभी ग्रीन, ब्लैक, रेड, इसके वजह से कंट्रोवर्सी भी बीच में हो गई थी, ऐसा मुझे कुछ सुनाई दिया था। फिर उसके बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और कुछ कोड नंबर्स लिखे होते हैं। अब ये कोड नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकता है,
एक्सपायरी डेट बेसिकली मेंशन है, और पीछे साइड देखें तो उसी के पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और यहाँ पर शायद यस इसकी प्राइस भी मेंशन है। मैं एक टूथपेस्ट का कार्टून तो नहीं, लेकिन खुद एक टूथपेस्ट का पैक ले रहा हूँ, यू नो मतलब पूरा टूथपेस्ट ले रहा हूँ, कार्टून नहीं उसका। एंड देन फिर उसका पीछे जो फ्रंट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है, पीछे थोड़ा बैक साइड में साइड साइड में हिंदी में पूरा लिख दिया है, और जो चीज़ें लिखी हैं ना उसमें स्टार भी लगा दिया, स्टार लगा दिया, अलग अलग चीज़ें लिख दी हैं, अलग अलग सिंबल्स लगा दिए हैं, और उनका सिंबल्स का डिटेल में फिर पीछे लिखा है कि उसका मतलब क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा इसमें मजबूत दांत लिखा है, मजबूत दांत के ऊपर में एक स्टार का सिंबल लगा दिया है, अगर हम उसे पीछे साइड स्टार का वो मतलब ढूंढने जाएं तो इसमें लिखा है कि ऑन रेगुलर ब्रशिंग, अगर आप हर रोज़ ब्रश करोगे तो आपके दांत मजबूत होंगे। ओके मतलब सामने से पढ़ने में लगेगा हाँ दांत मजबूत, लेकिन उस पर स्टार लगा दिया स्टार, फिर आप पीछे पढ़ोगे तो उसमें लिखे रहेगा रोज़ ब्रश करोगे तो, मतलब पूरी जानकारी पूरा पढ़ के मिलेगी। फिर उसमें इंग्रेडिएंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक टूथपेस्ट का ले रहा हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सॉर्बिटॉल, वाटर, सिलिका, सोडियम लॉरियल, क्या है लॉरियल सल्फेट, फ्लेवर कंटेनिंग क्लोव एंड मिंट ऑयल। अब इसमें ये लवांग वांग ये सब जो होता है ना, इसमें फ्लेवर्स डाले हैं, ओके ना कि असली में वो सब डाल दिया है। एंड देन बाबुल, अकाइका अराबिका एक्सट्रैक्ट, बाबुल की कुछ एक्सट्रैक्ट, सेलुलोज गम, जैंथन गम, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सैक्रीन, बेंजाइल अल्कोहल, फोमिंग नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, इसमें फ्लोराइड नहीं प्रेजेंट है, ओके फ्लोराइड नहीं प्रेजेंट है इसमें, ओके ओके नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रीड फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑन द बी नंबर एंड सी बिलो, वही शायद ये कोड नंबर, नेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस, एमआरपी, वो सब आप क्रिम्प पर देख सकते हो। नॉट टू बी सोल्ड विदाउट रिस्पेक्टिव कार्टून, बिना कार्टून की नहीं बेचना चाहिए, ये सब लिखा है। क्वांटिटी लिखी है, कितना एक्स्ट्रा है क्या है, उनका सिंबल्स हैं, वेजिटेरियन लिखा है, ये सब लिखा है, उनकी वेबसाइट मेंशन है, एंड सम लिटिल बिट मोर इरेलेवेंट और लिटिल बिट रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस। ओके सो और कुछ आप देख सकते हो मिले आपको, तो डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड डिटर्जेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिटर्जिरी, डिटर्जिरी ये लैटिन से मिला है हमें डिटर्जेंट वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, टू वाइप अवे, वाइप मतलब पोंछ देना, पोंछ के दूर कर देना, तो ये डिटर्जेंट वही करता है कि गंदगी को हमारे कपड़े से पोंछ के दूर कर देता है। अ डिटर्जेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट क्लीन्स और वाइप्स अवे डर्ट, जो गंदगी को साफ कर देता है, पोंछ देता है। सोप, सोप नट, रीथा जिसे कहते हैं, सोप नट, सोप पॉड, शिकेकाई, सोप, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू आर ऑल डिटर्जेंट्स, ये सब डिटर्जेंट हैं। डिटर्जेंट बार, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट मतलब ही कि साबुन, सर्फ, निरमा, ये सब जो 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 आप कह सकते हो। अब इसमें शायद ट्रेडिशनल चीज़ों का नाम दिया है, ये रीथा हो गया, सिकेकाई, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा सबकी पसंद, यस यस एंड वॉशिंग सोडा जो भी। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो कि व्हाट डू वी यूज़ फॉर क्लीनिंग अवर बॉडी, साबुन, शैम्पू, पानी, अपैरेटस। लो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी आपसे करवाएंगे ये लोग। टेक सम वाटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल, कांच की बॉटल में पानी ले लो, एड सम ऑयल टू इट, उसमें तेल डाल दो, द लेयर ऑफ ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर, यस ऑफकोर्स इट विल फ्लोट, पानी और तेल मिलता नहीं है। शेक द बॉटल विग्रेसली, धड़ 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 हिलाओ बॉटल को, आफ्टर सम टाइम व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल द ऑयल विल अगेन बी सीन ऑन फ्लोटिंग ऑन द वाटर, कितना भी आप उसे मिक्स कर लो वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन नहीं हम तो इन्हें मिला देंगे। नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ डिटर्जेंट टू द अबव मिक्सचर, तेल पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिए आप, चाहे निरमा डालिए, चाहे साबुन थोड़ा सा तोड़ के डाल दीजिए, क्रश करके डाल दीजिए, अब शेक करो, अब आपको देखने को मिलेगा कि वाटर और ऑयल एकदम
बराबर से मिक्स हो गए हैं और उनका जो पूरा मिक्सचर है वो थोड़ा हमें वाइट वाइट दिखेगा, मिल्की जैसा। ऐसा क्यों हुआ पता है? द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट। क्या कहा गया? अ मॉलिक्यूल ऑफ अ डिटर्जेंट, ओके, द मॉलिक्यूल ऑफ अ डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग, इनके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है समझ में आ गया। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट, और ये लंबे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दोनों जो एंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी ही अलग अलग है। ये भाई कौन है, कहाँ से आए हैं ये लोग? अ मॉलिक्यूल ऑफ अ डिटर्जेंट होल्ड ऑन टू अ वाटर मॉलिक्यूल एट वन एंड एंड एन ऑयल मॉलिक्यूल एट द अदर एंड। डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल क्या करता है, एक तरफ पानी को पकड़ता है और एक तरफ तेल को पकड़ता है। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल मिक्स विद द सॉइल्ड, ये क्या है, ओके, एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल मिक्स विद द वाटर, और इसी वजह से तेल का मॉलिक्यूल पानी के साथ मिक्स हो जाता है। असल में उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करवा देता है साबुन का मॉलिक्यूल, डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल। बट हम इतना थोड़ी ना प्रिसाइजली देख सकेंगे कि कौन किसका बॉन्डिंग करवा रहा है, हमें तो ऊपर ऊपर से दोनों की बॉन्डिंग दिखती है। दिस इज़ हाउ सोप एक्ट्स व्हेन वी वॉश आवरसेल्फ और अवर सॉइल्ड क्लोथ्स, गंदे मिट्टी लगे हुए तेल कट या ऐसे ऐसे ख़राब कपड़े या फिर अपने शरीर को, क्योंकि तेल कहीं ना कहीं रहता ही है, और फिर क्योंकि वैसे पानी से तो वो हो जाएगा, निकल जाएगा, बट जहाँ पर तेल आ जाएगा मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा तो निकलेगा कैसे फिर वो। आवर बॉडी एंड क्लोथ्स बिकम ऑयली फॉर वेरियस रीजन सच एज अप्लाइंग जेल्स क्रीम्स ऑयलिंग आवर हेयर एक्सेट्रा। हमारी बॉडी हमारे कपड़े अलग अलग कारणों की वजह से तिलकट हो जाते हैं, जैसे हम क्रीम्स लगाते हैं, तेल लगाते हैं बालों में, जेल्स लगाते हैं, और अलग अलग चीज़ों की वजह से। द ऑयली लेयर स्टिक फास्ट टू द क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर क्लोथ। हमारे जो कपड़े होते हैं वो क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स होते हैं, मतलब ऐसे मान लो हमारा कपड़ा है तो ऐसे 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 उसे जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा। तो क्या कहा गया है, द ऑयली लेयर स्टिक्स फास्ट टू द क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर क्लोथ्स। जो हमारे कपड़ों की ये ऐसे जाली जैसी होती है ना, इसमें ऑयली लेयर चिपक जाती है, अब वो गंदा लगता है। सोप इज़ यूज फॉर रिमूविंग इट, सोप और साबुन का इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वहाँ से हट जाए और साफ दिखे। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन टू बोथ ऑयल एंड वाटर, सोप वाटर स्प्रेड्स इजीली ऑन मैनी टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। अब सोप की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक तरफ ऑयल और एक तरफ वाटर को होल्ड कर सकती है। सोप वाटर स्प्रेड इजीली ऑन मैनी टाइप्स ऑफ सर्फेस, तो इसीलिए सोप का पानी हर तरह की सरफेस पे फैल जाता है, चाहे वो फिर पानी वाला सरफेस हो, सूखा वाला, या फिर ऑयली वाला सरफेस हो, समझे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एक्टिविटी। और किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टी कि वो कोई भी सरफेस पे कितना जल्दी फैल जाए उसे हम सरफेस एक्टिविटी कहते हैं, किसकी सरफेस एक्टिविटी कितनी है। एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी अ सर्फैक्टेंट, सर्फ एक्सल, और उस सब्सटेंस को सर्फैक्टेंट कहते हैं कि कोई चीज़ कोई सरफेस पे कितना जल्दी फैल जाती है। फैलना मतलब उसके साथ इंटरैक्ट करना, नहीं। डिटर्जेंट आर सरफेस एक्टिव, और ये सर्फ एक्सल सरफेस एक्टिव होते हैं। वन इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी इज़ लेदर फॉर्मेशन। सरफेस एक्टिविटी का एक इफेक्ट क्या होता है, लेदर फॉर्मेशन। क्या है ये? अच्छा, ये लेदर, वो जो फेना नहीं होता उसे कहते हैं लेदर फॉर्मेशन। और सरफेस एक्टिविटी का ये भी एक चीज़ है कि वो लेदर फॉर्म कर लेता है, फेना, फेना, ठीक है। मतलब क्या, कोई चीज़ पे कितना फैल रहा है और उसी की वजह से, अब इस कैसे फेना बनता है वो नहीं बताया, बस बताया कि उसका एक इफ़ेक्ट है सरफेस एक्टिविटी। सरफेस एक्टिविटी मतलब फैलना, अब उसका इफ़ेक्ट लेदर फॉर्मेशन, फेना निकलना, ठीक है। नेचुरल डिटर्जेंट की बात की गई है, सोप नट जिसे रीथा एंड सोप पॉट जिसे शिकेकाई कहते हैं,
आर द नेचुरल डिटर्जेंट्स इन कॉमन यूज़। आम मर्रा की ज़िंदगी में हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, बट पहले करते थे और कुछ लोग अभी भी करते होंगे। दे कंटेन अ केमिकल नेम्ड सेपोनिन। उसमें एक सेपोनिन नाम का केमिकल होता है। सोप नट एंड सोप पॉट डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन स्किन और ऑन सिल्क एंड वुलन थ्रेड्स एंड क्लोथ। और तो और कहा गया कि साबुन की तरह नहीं, साबुन भी वैसे नहीं ख़तरनाक होता, बट देन ऑल्सो इसके कोई भी हमारे शरीर पर या फिर हमारे कपड़े पर हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। आगे और देखा जाए तो फिर हम बताया गया है मैन मेड डिटर्जेंट के बारे में। सोप, इंसानों ने सबसे पहला पहले हमने क्या देखा, पहले देखेंगे सोप के बारे में। सोप इज़ अ मैन मेड डिटर्जेंट विच हैज़ बीन इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स। हम इसे पहले से इस्तेमाल करते थे। साबुन, इट इज़ बिलीव दैट सोप वॉज इन्वेंटेड इन द वेस्ट अबाउट 2000 ईयर्स अगो। माना यह जाता है कि 2000 साल पहले सोप का इन्वेंशन हुआ था वेस्ट में। इन दोज डेज सोप वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग एनिमल फैट एंड वुड ऐश। उस समय सोप एनिमल के फैट्स और जो लकड़ी की राख होती है उससे बनाया जाता था। टुडे वी कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सोप्स, बट आज हमारे पास बहुत सी वैरायटीज़ हैं सोप की। सोप भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हार्ड सोप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट। सॉल्ट खुद ही सोडियम क्लोराइड है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और नाउ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का मतलब होता है कि फैटी एसिड्स को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो बनता है उसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट। सॉफ्ट सोप इज़ यूज्ड फॉर बाथिंग। ओके, इट इज़ अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। अब ये जैसे सोडियम सॉल्ट है वैसे पोटेशियम सॉल्ट है। इसको किससे रिएक्ट करवाते हैं वो आप देख लीजिएगा, आगे पढ़ेंगे ना, अभी इतना नहीं। इट डज़ नॉट कॉज इरीटेशन ऑफ द स्किन। इससे इरीटेशन स्किन का नहीं होता है, हार्ड से हो सकता है। इसमें तो कहा नहीं गया तो क्यों मान ले। इन द हार्ड वाटर ऑफ अ वेल और अ ट्यूब वेल सोप डज नॉट गिव लेदर बट फॉर्म्स अ स्कम। जैसे हार्ड वाटर मतलब जो ज़मीन से पानी हम निकालते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो वैसे पानी में ना फोम इतना, सोप डज नॉट गिव लेदर, लेदर इतना नहीं बनता। लेदर मतलब वो जो झाग होता है, लेकिन स्कम, स्कम क्या होता है। सो स्कम और लेदर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐसे समझ सकते हो, जो सॉफ्ट वाटर होता है जो हमारे सप्लाई का पानी आता है उससे जब साबुन लगाते हैं तो उसमें फेना जो बनता है झाग, वैसा कुछ। हार्ड वाटर पे ये बहुत कम हो जाता है और इसमें वाइट इनसॉल्यूबल चीज़, आप जब ये खुद इमेजिन खुद एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो पता चलेगा ज़्यादा अच्छे से। तो वही उसमें सब में स्कम बनता है। एज अ रिजल्ट सोप लूजेस इट्स क्लीनिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है। बट ऐसा नहीं, गांव भी जहाँ पर वेल्स होते हैं वहाँ पर भी सोप से ही सब काम होता है। सो यस, इनफैक्ट वेल से तो हमेशा पानी निकाला जाता था पहले। सो अब लूज़ करता है, ये नहीं कि एकदम ख़त्म हो जाती है प्रॉपर्टी। बट या वी हैव ट्राइड बट इट्स नॉट मच अफेक्टेड। सिंथेटिक डिटर्जेंट नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑफ सोप। साबुन की जगह पर अब डिटर्जेंट्स आ गए हैं, बनाए हुए डिटर्जेंट्स। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज डिटर्जेंट्स। अलग अलग तरह से हम डिटर्जेंट बना सकते हैं। द लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट इन द सिमेट्रिक डिटर्जेंट आर ऑप्टेन फ्रॉम रॉ मटेरियल विच आर मेनली फैट्स और केरोसिन।
सिंथेटिक डिटर्जेंट की लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन द सिंथेटिक डिटर्जेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉ मटेरियल विच आर मेनली फैट और केरोसिन, चर्बी और केरोसिन या केरोसिन, इन्हीं सबसे ये सब बनता है डिटर्जेंट। ओके, डिटर्जेंट आर ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिंग दीज रॉ मटेरियल टू अ वैरायटी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस से इसको पास करते हुए बनता है डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी जो बनाए जाते हैं वो अलग अलग कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, चेहरे पे लगाने वाली चीज़ें। सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल। अब ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं ये हम हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट निर्मा डिटर्जेंट आई थिंक सोप एंड डिटर्जेंट इज अ मैन मेड डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट हैव टेकन प्लेस ऑफ सोप। यस, डिटर्जेंट के भी ये शायद पहले होता होगा। देखिए सोप क्या है, डिटर्जेंट विच हैज बीन यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स। सोप एंड डिटर्जेंट बार, अगर आप किसी भी जो हमारे घर में आते हैं साबुन कपड़ा वाले, उसमें अगर आप देखें तो क्या उसमें लिखा होता है, ओके डिटर्जेंट सॉल्यूशन कैन बी स्किन। यस, ये डिटर्जेंट्स होते हैं ना कि सोप। सोप पहले चलते थे शायद, या फिर जो हम नहाते हैं वो टाइप्स ऑफ सोप, हार्ड सोप, वॉशिंग क्लोथ, ये सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड से बना सॉफ्ट सोप बाथिंग के लिए। तो ये हार्ड सोप भी जो है नेचुरल डिटर्जेंट्स, सोप नट डिटर्जेंट मतलब सोप, सोप डिटर्जेंट एक शायद और अच्छा फॉर्म होगा। इसलिए डिटर्जेंट्स और सोप जो होते हैं, सोप्स जो हम बार यूज़ करते हैं जैसे रिन, विम, व्हील, ये सब डिटर्जेंट्स, और जो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में जो आते हैं वो सब डिटर्जेंट्स। सोप्स डिफरेंट तो होते ही हैं थोड़े। सो दैट्स इट एज पर द यूज़ ऑफ द डिटर्जेंट, सपोर्टिंग एडिटिव्स सच एज परफ्यूम्स, डाइज, जर्मिसाइड्स, अल्कोहल, एंटी फोमिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजर्स, फाइन सैंड एक्सेट्रा आर मिक्सड विद डिफरेंट डिटर्जेंट टू गिव देम सर्टन यूजफुल प्रॉपर्टीज। सो यस, डिटर्जेंट का जैसे यूज़ होता है उसी हिसाब से उसमें चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे एडिटिव्स वही जो ऐड की उसमें जाते हैं, परफ्यूम्स, डाइज हो गए, डाइज में होते हैं अलग अलग चीज़ें, कलर्स या फिर टेक्सचर जो भी देने के लिए, जर्मिसाइड्स जैसे जो जर्म्स को मारते हैं वो सभी डिटर्जेंट में ये भी डाला जाता है। यस ऑफकोर्स डालते होंगे। अल्कोहल, एंटी फोमिंग एजेंट, अब ये एंटी एजेंट इसलिए डालते होंगे क्योंकि उसके जो फोम्स हैं उसे कम करने के लिए, मॉइस्चराइजर्स वही ताकि हाथ वाथ ना ख़राब हो, यू नो ऐड में आपने देखा होगा। फाइन सैंड, अगर आप कभी साबुन से कपड़ा धोएं और तो आपको उसमें वाइट जब पानी फेंकोगे या फिर जिस बाल्टी में आप धोओगे कपड़ा उसके एकदम नीचे वाइट सेटल्ड कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि गल नहीं रही हैं, तो वो शायद है वाइट सैंड, फाइन सैंड एक्सेट्रा आर मिक्सड विद डिफरेंट डिटर्जेंट टू गिव देम सर्टन यूजफुल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग के साथ मिलाकर उन्हें काम का और ज़्यादा अच्छा काम का बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट है साबुन बनाने का, प्रिपरेशन ऑफ सोप, कैसे 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ओके 60 ml कोकोनट ऑयल, 15 ग्राम सॉल्ट, परफ्यूम एक गिलास का, रॉड, बीकर, ट्राईपॉड, वायर गॉज, बर्नर, वाटर मोल्ड एक्सेट्रा। प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि 60 ml कोकोनट ऑयल को एक बीकर में लीजिए, 60 ml डिसॉल्व 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 50 ml वाटर, 15 ग्राम सोडियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड को 50 ml वाटर में
मिलाइए। मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द ऑयल स्लोली वाइल स्टिरिंग इट विद अ ग्लास रॉड। एक दूसरे बीकर में 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लो और वो जो बीकर में हाइड्रोक्साइड 15 ग्राम वाटर है और 50 ml, उन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द ऑयल स्लोली वाइल स्टिरिंग इट विद अ ग्लास रॉड। डिजॉल्व 15 ग्राम सोडियम इन 50 ml वाटर। 50 ml वाटर भी किसी चीज़ में रहेगा, उसके अंदर 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। फिर उसके बाद में मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को मिलाइए इन द ऑयल 60 ml कोकोनट ऑयल एक बीकर में लीजिए। स्टिरिंग इट विद अ ग्लास रॉड, उस सॉल्यूशन पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हिलाते रहिए और हिलाते हिलाते फिर उसमें डालिए आप। वाइल स्टिरिंग ओके, हीट द मिक्सचर, उस नारियल के तेल में डाल दीजिए। मिक्सचर को गर्म कीजिए, 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल कीजिए और उसे घुमाते रहिए, हिलाते रहिए मतलब ग्लास रॉड से। मिक्सचर बॉइल ओवर वाइल हीटिंग, बस देखना ये है, वेट 10 से 12 मिनट तक कहा गया है, बॉईल कीजिए। डज नॉट बॉईल ओवर वाइल हीटिंग, बॉईल ओवर मतलब कि देखो जैसे दूध नहीं बह जाता तो वैसे कहीं वो भी बह ना जाए बाहर। डिजॉल्व 15 ग्राम सॉल्ट इन 200 ml पानी। अब 200 ml पानी में 15 ग्राम सॉल्ट और डिजॉल्व कीजिए। हाँ, मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द ऑयल वाइल स्लोली स्टिरिंग इट विद अ ग्लास रॉड। अच्छा, ऑयल जो आपने लिया है सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पानी में तो आपने मिला लिया, अब वो पानी वाला जब ऑयल में डाल रहे हो तो उसको हिलाते रहिए, ऑयल वाले सॉल्यूशन को। ओके, पॉर दिस सॉल्यूशन इनटू द अबव मिक्सचर एंड स्टिर। 15 ग्राम जो फिर से आपने सॉल्ट किया 200 ml पानी में, इसको भी ऊपर वाले सॉल्यूशन में डालिए और हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। द सोप फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन नाउ फ्लोट्स ऑन द वाटर। अब जो साबुन बनेगा वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। अच्छा, जो भी मतलब ऐसे नहीं, ओके, सोप बनेगा। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स थिक, कुछ समय बाद वो थिक हो जाएगा। नाउ सेपरेट द थिक सोप एंड ऐड द परफ्यूम टू इट। पानी के ऊपर जो तैर रहा है उसे, जो थिक हो गया उसे सेपरेट करो, परफ्यूम उसमें डाल दो। शेप द बार ऑफ सोप यूजिंग द मोल्ड, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, तो नीचे पानी रहेगा इसका मतलब। सोप फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन नाउ फ्लोट्स ऑन द वाटर। अब आप इसको किसी बर्तन में डालिए जिससे शेप आ जाए उसके पास। इन द अबव प्रोसेस फैट एंड अल्कली कम्बाइन टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। अबव प्रोसेस में फैट और अल्कली, अल्कली शायद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को बताया जा रहा है या फिर पानी, इन दोनों के सॉल्यूशन को। और इतना इतना समझ लीजिए कि जो हमने ये सब चीज़ें ली इसमें बेसिकली दो चीज़ें थी, अल्कली और जो हमारा फैट है। फैट तो हम ऑयल को समझ सकते हैं और अल्कली जो भी हो उसमें, इन दोनों को कंबाइन करके ही हम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स बनाते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड को फैटी एसिड्स के साथ मिलाया जाता है, तो वैसे जैसे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को फैटी एसिड्स के साथ, जो भी फैट ये चीज़ें हैं इसके साथ मिलाया गया, तो ऐसा कुछ है। केमिकली सोप इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। केमिकली देखा जाए तो उसमें क्या क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑयल तो इसीलिए कहा जाता है, चाहे पोटेशियम, पोटेशियम में अलग चीज़ें रहेंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ फैटी एसिड्स। अब सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप बता सकते हो कि वॉट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन? ईंट, बालू, गिट्टी, रेती, सीमेंट, पानी एंड दैट्स इट। और चीज़ें भी हो सकती हैं, आप बता सकते हो। विच ऑफ द हाउसेस सीन इन द पिक्चर हियर हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, व्हाई? तो इसमें स्ट्रॉन्ग इसका होगा क्योंकि ये सीमेंट से बना हुआ है। अब देखो जनरल ऐसे ही हम लेते हैं, आप मत बोलना कि ये हमारे पास मिट्टी का घर है 1000 साल पुराना, ऐसा फिर
क्योंकि अभी तो सब जनरलाइज यही कर रहे हैं चाहे जैसे भी हो। तो मानना वही है कि मिट्टी का घर शायद पानी से बह जाए, ढह जाए, ढह जाए मतलब ऐसे धड़ाम से करके पूरा एकदम गिर जाना। और स्ट्रॉन्ग क्यों रहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें का इस्तेमाल किया गया है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और वो सब एक साथ आकर के और स्ट्रॉन्ग वॉल्स को कर देती हैं, जैसे कि ब्रिक, सीमेंट, रेती, सैंड, ये सब चीज़ें। सीमेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, सीमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन काम करने में, बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में सीमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। शीट्स, ब्लॉक, शीट्स मतलब पतरा, ब्लॉक, ईंटें, पिलर्स, पाइप्स आर मेड फ्रॉम कॉन्क्रीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीमेंट। सीमेंट से कॉन्क्रीट बनता है, कॉन्क्रीट मतलब जो पूरा मसाला होता है, गिट्टी, बाल, हाँ अगर बालू लगी तो सीमेंट, पानी, ये सब पूरा कॉन्क्रीट कहते हैं। तो पिलर्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, शीट्स, शीट्स मतलब वो पतरे, पतरे भी सीमेंट का। ब्लॉक आजकल जो आ गए हैं बड़े बड़े, वो सब भी सीमेंट के। पिलर्स तो सीमेंट के बनते ही हैं, पाइप्स भी सीमेंट्स के बनती हैं, मतलब कंक्रीट, कंक्रीट के बनते हैं। मेन इंग्रेडिएंट, ज़रूरी चीज़ सीमेंट है। सीमेंट इज़ ए ड्राई, सूखा है, ग्रीनिश ग्रे पाउडर विथ फाइन पार्टिकल्स। ग्रे कलर का पाउडर है, बहुत फाइन, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम सिलिका, सैंड से बनाया जाता है, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनाया जाता है, लाइम, लाइम भी एक चीज़ होती है, लाइम भी एक कंपाउंड है, चीज़ है जो कि इसमें डाला जाता है, वाइट वाइट पाउडर जैसा होता है। आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। नाम अभी बता दिया गया है, और क्या चाहिए इसमें, अलग अलग चीज़ें हैं ऊपर ऊपर से देखने में। पोर्टलैंड सीमेंट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। पोर्टलैंड जो सीमेंट है, पोर्टलैंड मतलब जो सीमेंट, इसे पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड में एक आइलैंड है पोर्टलैंड, डॉर्सेट में ऐसे कुछ, तो वहाँ पर जो क्वारीड होते थे, क्वारीड मतलब कि एक बड़ा खुला स्पेस जहाँ पर बड़े बड़े गिट्टी, मार्बल्स, गिट्टी नहीं, मार्बल्स हो गए, स्लेट हो गया, वो सब जो होता है अलग अलग चीज़ें, वो खोद कर निकाली जाती थी। खोद कर क्या, कटिंग कर कर के या फिर फोड़ करके निकाली जाती थी पहाड़ से ही, तो ये सब अलग अलग जैसे प्रोसेस से जो भी है वो। तो उस एरिया में भी पोर्टलैंड नाम का एक स्टोन पाया जाता था, जो एक तरह का लाइम स्टोन कह सकते हो आप उसे, तो उसी से इसका नाम भी पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया। इट इज़ मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स विच कंसिस्ट ऑफ 60% लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, 60% इसमें लाइम ही होता है, ओके, लाइम पाउडर जैसा होता है, 25% सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे चिप बनती है वो सब, 5% एल्यूमिना। तो ये हो गए टोटल 60, 70, 85, 90% एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द रेस्ट इज़ आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम, जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, ये भी एक तरह का चीज़ है। पोर्टलैंड सीमेंट गेट इट्स नेम फ्रॉम द स्टोन क्वारीड फ्रॉम द, हाँ, आईएसएलई मतलब आइलैंड ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड विच हैज़ अ सिमिलर टेक्सचर। पोर्टलैंड सीमेंट नेम फ्रॉम द स्टोन, जो स्टोन निकाला जाता था क्वारीड से, फ्रॉम द आइलैंड ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड विच हैज़ अ सिमिलर, वो भी कुछ इसी तरीके का था, किस तरीके का, जैसे लाइम का पत्थर, विच हैज़ अ सिमिलर टेक्सचर, उसका भी। इन एंशियंट टाइम्स द रोमन्स हैड मेड सीमेंट एज वेल एज कॉन्क्रीट। पहले के समय में ही रोमन्स ने, रोम में जो लोग थे, उन्होंने सीमेंट कॉन्क्रीट दोनों का आविष्कार कर लिया था। दे यूज टू मेक एक्वेस सीमेंट बाय मिक्सिंग वॉल्केनिक ऐश
इन मॉइस्टनेड लाइम, वो एक्वेस सीमेंट बनाते थे थोड़ा थोड़ा पानी वाला जैसा। बाय वॉल्केनिक ऐश जो होता था मॉइस्टेड लाइम में मिक्स करके, भीगी हुई लाइम, वो पाउडर जैसा होता था मॉइस्टेड लाइम में। इट वॉज वेरी ड्यूरेबल सीमेंट, ये बहुत ही एक ड्यूरेबल सीमेंट थी, बहुत समय तक चलती थी, टिकती थी। विद द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर दिस आर्ट ऑफ मेकिंग सीमेंट वॉज ऑल्सो फॉरगॉटन, और रोमन एम्पायर की धीरे धीरे गिरने के बाद इसे भी भुला दिया गया, भूल गए। लेकिन 1756 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन सेमेटॉन डेवलप द मेथड ऑफ मेकिंग एक्वेस सीमेंट, लेकिन वापस से उन्होंने एक्वेस सीमेंट बनाने का मेथड ढूंढ लिया, जॉन सेमेटॉन। एक्वेस सीमेंट जैसे कि वही एक्वेस सीमेंट एकदम लिक्विड नहीं बट तो भी पेस्ट की तरह होता था, पानी थोड़ा होता था उसमें। अब हम देखते हैं कंक्रीट क्या है। कंक्रीट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट वाटर सैंड एंड ग्रेवल। सीमेंट वाटर रेत और गिट्टी फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ स्लैब कंटेनिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन कंक्रीट। स्लैब मतलब ऊपर का जो छत पड़ती है, तो उसे लीक प्रूफ बनाने के लिए ये सभी चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपको ढूंढ के बताना है कि नाउ डेज वाई आर द रॉड्स मेड ऑफ कॉन्क्रीट, रोड्स मेड ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, सो लेट्स फाइंड। सो एज पर माई इंफॉर्मेशन, सीमेंट की रोड इसलिए प्रेफर की जाती होगी या बनाई जाती होगी क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक चलती होगी, यस। और फिर ज़्यादा टाइम तक चलती है, उस पर व्हीकल भी ज़्यादा एफिशिएंसी से चल सकती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी ब्लैक वाली रोड्स होती हैं, कम तेल में ज़्यादा टाइम तक या कुछ ऐसा, फ्रिक्शन कम, यू नो। और फिर इको फ्रेंडली हो सकता है क्योंकि उसके जो प्रोसेस है बनने का सीमेंट, वो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाता है एज़ कम्पेयर टू जो और बनती हैं एसफाल्ट की। एसफाल्ट वो ब्लैक ब्लैक जो होता है टार या वो सब, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, आप एक बार इसे रीचेक कर सकते हैं, फाइंड आउट तो आखिर है ही ये। एंड देन हाँ, सीमेंट वाले लोड ज़्यादा ले सकते हैं, ये एकदम ठोस हो जाते हैं और ऐसा नहीं कि ये फैलते हैं दोबारा या फिर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा एसफाल्ट का होता है ब्लैक कलर का जो डाला जा रहा डामल का, तो ये टूटते फूटते नहीं जितना मुझे इंटरनेट से पता चला है। और बीच बीच में जैसे ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से बीच में से क्रैक आ जाना, आपने देखा होगा रोड जो होती हैं वो बगल बगल से गांव इलाके में बीच में से ऊंची होती हैं, बगल बगल में से ऐसे चपटी हो जाती, मतलब ढलान इंक्लाइन हो जाती हैं, क्योंकि जब गाड़ियाँ जाती हैं तो बगल बगल चक्कों की वजह से फ़ोर्स पड़ता है, बीच में फ़ोर्स पड़ता ही नहीं, वो हो जाती हैं, फिर वो थोड़ा सा ऐसे उठ जाती है रोड, क्रैक हो जाती है। तो वो सब चीज़ सीमेंट में नहीं पॉसिबल है क्योंकि फिर वो एक बार मूव ही नहीं करती ना, इतना मूव ही नहीं करती सीमेंट, एक बार वो ठोस हो गई तो ठोस हो गई। फिर एक ये हो सकता है कारण, जो पानी का हमने देखा था फ्रीज थॉ साइकिल, ये फ्रीज थॉ साइकिल एक साइकिल है जो ये कहती है कि जब पानी जाता है, जो हमारा टार होता है ब्लैक कलर वाला टार नहीं एसफाल्ट की रोड, तो क्या होता है वो पानी जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो बर्फ़ धीरे धीरे बनने लगता है या फिर और ठंडा होने लगता है, और ज़्यादा ठंडा होने लगता है तो फिर वो एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर कम बारिश में कम ठंडी में ज़्यादा गर्मी में। तो ये पानी का जो चीज़ है ये सीमेंट के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू एसफाल्ट के। तो ये सब चीज़ें मुझे मिली जितना रिसर्च किया मैंने, टू स्टेप वेरीफाई आप कर सकते हो। What causes the hardness of water? पानी हार्ड क्यों हो जाता है, पानी हार्ड क्यों रहता है? तो इसमें वो वाली हार्डनेस की बात हो रही है जो हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर। तो वाटर हार्ड इसलिए होता है क्योंकि हम जो वैसे पानी लेते हैं देखते हैं जैसे आरओ का पानी या फिर जो सप्लाई वाटर आता है सिटीज़ में, तो ये सब फिल्टर होके आता है, फिल्टर होने की वजह से
उसमें मेजॉरिटी वाटर रहता है और बहुत कम अलग अलग चीज़ें मिनरल्स रहते हैं। लेकिन जो हम बोरवेल्स जो वेल्स से या फिर हैंड पंप से निकालते हैं पानी ज़मीन से, खासकर डायरेक्टली विदाउट बिना फिल्ट्रेशन के, वो सब के, तो वो सब ज़मीन में रहते हैं। ज़मीन में भी अलग अलग सैंड्स और रेती, गिट्टी, अलग अलग पत्थर रहते हैं, तो उन सभी की वजह से उसमें थोड़े मोड़े मिनरल्स पानी में भी ऐड हो जाते हैं। और जब हम उसे हैंडपम्प से ऊपर खींचते हैं तो वही मिनरल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सब चीज़ें उसे हार्ड कर देते हैं, और भी हैं अलग अलग, एंड दैट्स इट।